का व्लॉग हो रहा है हिमालयन कैफे से शुरू और आज है मेरा हिस्ट्री का पेपर भाई यहाँ के शेफ और 2 बजे से मेरे पेपर है तो अभी तो हम भाई के ही कैफे में बैठे हैं कैफे से चल पड़े क्योंकि टाइम 1 बज गया है 2 बजे से पेपर है तो चलो आ जाओ ये हमारे डीपी गार्डन क्या अंदर नहीं ले जाना क्या अंदर अलाउड नहीं है तो भैया जी ये है धर्मपुर स्कूल की डीपी मैडम अपना भी ये इधर रख इसको बाहर मैं इसको फोन इसमें रखता ना दो मिनट लगेंगे हेलो मैं तृप्ता शर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुर से बोल रही हूँ ये ब्लॉगर ट्रैवल ब्लॉगर और ये बहुत अच्छी जॉब है घूमो फिरो मैंने भी बहुत सारी जगह विजिट की है लेह लद्दाख चांशल मैम लेह लद्दाख तो मेरा ड्रीम है एंड सो मैनी प्लेसेस हिमाचल सारा ठीक है और उसके अलावा बाहर दुबई और इसके अलावा मैंने पंजाब राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश केरला आई विजिटेड ऑल द प्लेस घूमो फिरो एंड यू वॉच ट्रैवल विद कीर्ति My daughter. मैम ये बताओ घूम फिर के एक स्टोरी बनती है ना लाइफ में बनके मैं भेजूंगी तेरे को सेंड करूंगी yes, ठीक है ओके बाय मैम पर असली में भी बनती है ना घूम फिर के स्टोरी लाइफ एक स्टोरी की तरह है मैं बताऊंगी तो मेरे प्लस टू के एग्जाम चले हुए हैं दोस्तों और मैंने मैडम से पूछा कि मैम मैं स्कूल में ब्लॉगिंग कर सकता हूँ तो ये बच्चे लोग मुझे बोल रहे थे कि हम ब्लॉग में आना चाहते हैं आज धर्मपुर स्कूल की वीडियो बनाई जाएगी ये अपना दोस्त और बिग फैन मत बोल यार तू अपना दोस्त है हमारे कैमरामैन नाम बता दो भाई इन्होंने हमारा कैमरा पकड़ा हुआ था लक्ष्य नाम है और आप सबका वैभव रोहित अच्छा सब्सक्राइबर है मेरे बहुत अच्छा फील हो रहा है भैया से मिलके भीड़ लग गई है यहाँ पे भैया के फैन आ चुके हैं सारे भैया हेलो 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 भैया हेलो आपके फैन हैं अरे ऐसे मत बोलो यहाँ आपके डॉगी को खाना देना तुमने ठीक है है ना बिल्कुल हाँ खिलाई देंगे जरूर क्लास में जाओ जिसके पेपर है विश्राम सावधान हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ बाजू ब्लॉक यहाँ पर बाजू ब्लॉक करनी है कदम ताल पता है ना भाई डांस से शुरू करना है कदम ताल शुरू कर 1 2 1 नजर सामने 1 2 1 मार दे
आया ये। हाँ करो 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 करो, जब तक मैं मना नहीं करते घर। तो हमारी डीपी मैडम अभी एक्सरसाइज कराएगी बच्चों से। ये हमारी जो है फ्रॉग रेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जंप करते जैसे फ्रॉग उछलता है। हाँ कर 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 कर, शाबाश। नीचे हाँ, गुड वेरी गुड। पूरा लड़कियां ढंग से नहीं कर रही भाई, हम कर रहे अच्छे से। फिर काम कर। अच्छा खुल जाओ बेटा, उधर को खुल जाओ, पहली लाइन खुल जाओ, पहली लाइन बोल। नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं हो तो इसमें आप क्या कर रहे हो? अगर कोई नहीं करता तो उसका अपना लॉस है। लड़की कैसे कर रही है हवा में हाथ, हवा में हाथ है? पहले देख रहे कैसे करते हैं। हेलो बॉय, देखो इधर, देखो इधर। करो शाबाश करो, करो करो। पंजे पे आप कौन है? पंजे पे ये क्रॉस क्रॉस किया, देन उसके बाद ये पीछे से जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है, कैसे लेती है? चलो चेंज, उसके बाद स्विमिंग करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ हाँ करो करना है। पीठ पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, ये सीधा ठीक कर रहा है थोड़ा दाम। हाँ चेंज इधर से करो पहले, फिर इसके बाद ये करो करो। शाबाश, 5 मिनट बाकी बचे हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी। ये गलत कर रहे हो, देखो इधर इधर देखो बेटा, ग्राउंड को टच कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी बेटा, लचक आएगी। कई बच्चों को बीच में दर्द रहती है, सावधान में होगी, ये सावधान में होगी बेटा ये। अब आगे धीरे से पीछे, धीरे से सांस लेग को शेक करो, लेग टांगों में दर्द तो नहीं है? ये वाली लाइन
सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने मुझे स्कूल में वीडियो बनाने की परमिशन दी। माई सेल्फ एम एन शर्मा प्रिंसिपल। यहाँ पर जो है 37 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ दूसरी गतिविधियां है, चाहे वो खेल कूद की गतिविधियां है या कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। किसी भी कक्षा का कोई बच्चा जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कोई नई चीज़ करने का जज्बा है या वो चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर सरकार द्वारा लैब्स स्थापित की गई है, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है। और अटल टिंकरिंग लैब में जो है बच्चे अलग अलग तरह के हुनर को प्रदर्शित करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए, ये इस किट को हमने मॉडल बनाए हुए, ये कुछ अपने आप से बनाए हुए और ये किताब से बनाए हुए। फैक्ट्री में काम करने वाले क्रेन का इन फैक्ट्री में यूज आता है। तो इसको किसने बनाया है? ये हमने बनाया। आपने? हम तीन। यार अच्छी बात है, ऐसे प्रैक्टिकल करते रहा करो। तो हम आपको दिखाते हैं स्कूल में खाना कैसे बनता है और कितनी साफ सफाई से खाना बनता है सरकारी स्कूल में। आ जाओ। ये ऑयल का यूज कम से कम करना है। हाँ, तो ये हमारे प्रिंसिपल सर है। हाँ, बच्चों को मीठा पीना बहुत जरूरी है। खाते नहीं सर, पहले बनाया हमने बच्चे। अगर आप जो है पूरा मीठा ही खिलाएंगे तब नहीं खाएगा बच्चा। उनको एक करछी, जैसे हम हलवा बांटते हैं ना, एक करछी दे दिया, उसी तरह जैसे आपने मीठे चावल बनाने का भी थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के थोड़े से बना दिए, एक करछी बांटती उनको, उसके बाद उनको जो है वो कर दिया, ये बना दिया, चावल दे दिए या पुलाव बना दिया उस दिन। आज बच्चों के लिए बन क्या रहा है स्कूल में? तो अभी तो आपने बनानी शुरू नहीं करी है ना? दाल ली है, अभी तो उबल रही है। अच्छा, अभी उबल रही है दाल इसमें। उबल रही है। हाफ टाइम। तो छोटू कैसा है? आ गया भैया। खाना खाओ। अच्छे चरित्र का निर्माण हजार बार ठोकरे खाने के बाद होता है। बहुत अच्छी लाइन है और एक सच्चाई के ऊपर बेस लाइन है। ये दो तो आज मेरे साथ ही थे। मुझे पूरा स्कूल इन दोनों ने घुमाया। तो दोस्तों, ये स्टाफ रूम है और आप देख सकते हो यहाँ पर टीचर कितना बिजी रहते हैं। मैम मेरे साथ आए हैं। क्यों बॉडी गार्ड की है? नहीं मैम। हाँ? अब मैम स्कूल का मुझे नहीं पता ना कहाँ कहाँ क्या। सो अभी हमारे डीपी मैडम आपको स्कूल के प्राइजेस दिखाएंगे।
दिखाओ मैडम। बेटा ये जो प्राइजेस हैं ये काफ़ी सालों से हैं, वैसे तो हमारे बच्चे जैसे पार्टिसिपेट करते हैं, हॉकी में गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, रेसलिंग में गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, जूडो में करती हैं और बैडमिंटन में करती हैं, बॉयज़ करते हैं, फुटबॉल में करते हैं, हॉकी में करते हैं। मार्चिंग जो हमारे स्कूल की परेड है वो बहुत ही बढ़िया है, तो उसमें हर साल जो है हमारे जो है स्कूल विनर रहता ही रहता है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों ने हर साल की पार्टिसिपेशन का है, जूनियर्स का है। हमारे स्कूल के जो छठी से आठवीं तक के बच्चे हैं, पीटी सर उनकी तैयारी करवाते हैं, तो उनके प्राइजेज हैं इसमें। वो भी हॉकी में गर्ल्स जाती हैं और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारे उन्हीं के हैं। कोरोना काल में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है क्योंकि स्कूल भी बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, उसमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं हुई क्योंकि स्कूल्स लगे नहीं हैं। बट अब हमने स्टार्ट किया है, अभी प्रेयर तो परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं आई ऊपर से प्रेयर के लिए, बट हम बच्चों को फिज़िकली फिट कर रहे हैं एक्सरसाइज के द्वारा। तो आपने इसमें वीडियो देखी, इसमें रिकॉर्ड किया है इसने सुबह मॉर्निंग सेशन जो हमने लिया था, तो उसमें वो वाली एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, रनिंग करवा रहे हैं, ताकि थोड़े से बच्चे स्ट्रांग हो, जो दो सालों में बिल्कुल ही अनटच्ड हो गए हैं ना बच्चे घर में रहकर, फिजिकल अनफिट हो गए हैं, तो पहले हम उनको फिट कर रहे हैं ताकि प्रेयर में उनको चक्कर ना आए खड़े खड़े, और वैसे भी स्टेमिना डेवलप हो, इम्यूनिटी बढ़े। जब बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होगा तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। और पीटी करवा रहे हैं, छठी से दसवीं तक को हम पीटी भी करवाते हैं, क्योंकि अभी प्लस वन प्लस टू का सेशन शुरू नहीं हुआ था, तो मेरा मोटिव ये है कि उनको छठी से दसवीं को जो है मैं तब तक ट्रेंड कर दूँ। प्रेयर में खड़े कैसे होते हैं वो बताया जाता है, सावधान कैसे होता है, विश्राम कैसे, तो ये सारी मतलब एक्टिविटीज़ मॉर्निंग की हमारी है। ये नहीं कि ये ब्लॉग बना रहा है तो ये हम एक्टिविटी आज हमने करवाई है, नहीं, ये हमारा शेड्यूल रेगुलर है, रेगुलर शेड्यूल है। चाहे ये ब्लॉग ना भी बनाता तब भी हमारा वही शेड्यूल रहता। तो दोस्तों अब छुट्टी हो चुकी है बच्चों को, हाय हाय करो, हाय ऐसे करो, हाय हेलो, सब हेलो करो, ऐसे हेलो करो, हेलो करो, इधर करो हेलो, रहने दे चुप रह। दिख रहे यार सब, हेलो इधर हेलो, चुप रह, गिर गया था, दौड़ के जाओ बच्चों, दौड़ भी लो, बाय। ओ दोस्त कैसे है तू? बढ़िया निकल जा निकल अपना यहाँ से। हेलो हेलो, आ गया आपका दोस्त, आ गया। हेलो भैया, हेलो भैया, आ गए हम आपके फैन, सकते ना हैं, थक गए आपके ना, हाँ यार पसीने आ गए, देख देखो मेरा कैमरा पकड़ने को बोल रहा है ये, मैं कैमरा मैन हूं भैया का, ले पकड़ ले, हेलो छोड़ दो, जा चले थे बक्शी घर, चलो बाय भैया, जा रहे तू मत कर, ठीक है यार, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, हेलो बाय 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 बाय, पहली फुर्सत से निकल यहां से तू, तो पहली फुर्सत से निकलो, अभी मैं आएगा तू मेरे घर, ठीक है बाय, ठीक है बाय। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो में 50 कमेंट तो ज़रूर करना है यार। नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे थोड़ा सा और शूट करने को रहा है धर्मपुर स्कूल में, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको।